नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला है और इससे पहले देश समेत बिहार में भी सियासी घमासान है। गया के अत्रि विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव का विवादित बयान सामने आया है। अजय यादव उर्फ रंजीत यादव ने कहा कि अयोध्या में जितनी भीड़ जमा हो रही है ये अपने लोगों से ही कहकर ब्लास्ट करवा देंगे और बोलेंगे कि ये तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। पहले क्या कुछ कहा अजय यादव ने वो सुनिए। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है, घर ये भी है, हो सके ये हो ना हो। आप खर्चा करके बोल रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, पंचायत हम लोग भी सनातन धर्म के हैं, हम लोग भी देवी देवता के मानते हैं, हम लोग सारे साल हम लोग पूजा करते हैं, तो हम लोग अलग हो गए। भाजपा में जो गया जो गंगा जी नहा लिया एकदम पवित्र हो गया। वहीं इस बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है, कई दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आपको सुनाते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। लालू प्रसाद के इशारे पे बार बार राजद के लोग विवादास्पद बयान दे रहे हैं। अभी अत्रि विधायक अजय सिंह ने जो बात कही है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने लोगों को कहा है कि किसी भी तरीके से इस प्राण प्रतिष्ठा को विवादों में डालो, ऐसी बात कहो जिससे कि हिंदू भावनाएं आहत हों। क्योंकि लालू प्रसाद यादव का मानना है कि सनातन की भावनाओं को आहत करने से मुसलमानों का तुष्टिकरण होगा। नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं तो हर तरफ अमन चैन होता है और ये जो इनकी स्ट्रेटजी है कि ऐसी बात कहो जिससे हिंदू भावनाएं आहत हों और मुसलमानों का तुष्टिकरण हो, वो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव का एक राजनीतिक योजना है। उनके बयानों को हमने नहीं सुना है, जब तक उनके बयानों को पूरी तरह नहीं सुन लेते हैं, देख लेते हैं क्या है पूरा मामला, किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, क्यों कहा है, उनके कहने का तात्पर्य क्या रहा है, ये तो वो बताएंगे, लेकिन अभी उनके बयान को हमने नहीं देखा, इसलिए इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देना अभी उचित नहीं। स्टेन के बयान का कोई औचित्य नहीं है, ज्योतिष है कि जानकारी मिल गया भविष्य में क्या होने वाला है। अरे अयोध्या में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है और निश्चित रूप से पूरा देश प्रतीक्षारत है, तो ऐसे में भविष्य में क्या होगा नहीं होगा इस सब की जानकारी पहले से रखना जरूरी है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन का इंतजार बेसब्री से और श्रद्धा के साथ संपूर्ण भारतवासियों और हम सबों को है, लेकिन एक चिंता भारतीय जनता पार्टी के पिछले दिनों के कर्तव्यों से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने ये 10 साल के अपने कार्यकाल में समाज के सभी वर्गों में विश्वास कायम नहीं किया है। और इस प्रकार की अगर चिंता होती है किसी को तो जायज है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा कराया सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, या हम नहीं उनके राज्यपाल सत्यपाल मलिक है कि पुलवामा हुआ नहीं, सरकार द्वारा खाया गया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के लोग लगातार देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आरजेडी के बारे में तो पूरे भारतवर्ष की जनता को पता है कि उनका चाल चलन चरित्र किस तरह का है, किस तरह ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, किस तरह तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। जो आरजेडी का विधायक का बयान आया है निश्चित रूप से बिना तथ्य और बिना आधार पे इस तरह का बयान देना कतई उचित नहीं। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने देवी देवताओं के खिलाफ बोलने वाले नेताओं पर पलटवार